हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 117वीं जयंती है। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान पर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह में हिमाचल निर्माण में यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और सीपीएस मोहनलाल, मेयर सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे और विपक्ष से विधायक बलवीर वर्मा, रीना कश्यप ने भी डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिमाचल निर्माण में यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने क्या कहा, सुनिए। आज के संदर्भ में जो हिमाचल प्रदेश हमको दिखता है या हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनने में, बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जो उनकी दृष्टि थी, विजन था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में एक प्रमुख योगदान दिया, लेकिन उनका जो विजन था उसको मुसलसल आगे सरकारों ने, जो अगले मुख्यमंत्री हो ठाकुर रामलाल जी के रूप में, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के रूप में, शांता कुमार जी के रूप में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के रूप में या जयराम जी के रूप में और वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी के रूप में, जो उनका विजन था, दृष्टि था, उसको आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश आज अग्रणी राज्य के रूप में सारे देश में जाना जाता है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने डॉक्टर परमार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से हमको एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना, लक्ष्य कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, जटिल हो, लेकिन उसको हासिल किया जा सकता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो एक जज की भूमिका निभा रहे थे लेकिन उनको लगा कि इस लक्ष्य को हासिल करना ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं, इस दायित्व पर उन्हें वो दायित्व छोड़ा और छोड़ करके हिमाचल प्रदेश जो आज हमारे सामने है इसको बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उनको हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में हम कहते हैं और जानते हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।